हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूम क्लास। आज हम देखेंगे एक न्यूज़, एक 6 साल के बच्चे की। एक आप पिक्चर देख सकते हो कि वो बच्चा 6 साल के बच्चे की, जिसको उसके फैमिली के साथ किडनैप किया गया। और ऐसा किसने किया? ऐसा किया चाइनीज़ गवर्नमेंट ने। तो ऐसा क्यों किया, ये क्या स्टोरी है ये पूरे बच्चे के ऊपर, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसका नाम था गेंदुन चोकी नीमिया, ठीक है। चाइनीज ऑफिशियल ने ये बात कहेगी कि नाउ ही इज 25 ईयर्स ओल्ड और अभी ये कॉलेज ग्रेजुएट है, उनको एक जॉब भी है। तो क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी चाइना को कि उनको किडनैप करना पड़ा, ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और ये रीजन के ऊपर खास तरह के ध्यान देना होगा। तो ये रीजन है चाइना का तिब्बत रीजन, ठीक है। तो इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि 1950 में चाइना ने इसे इन्वेट किया और एनेक्स किया मेनलैंड चाइना के साथ। तो ये रीजन जो है मेन रिलीजन फॉलो करता है बुद्धिज़्म, हम कह सकते हैं कि उसमें भी महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म ये रीजन फॉलो करता है। तो यहाँ पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है बहुत बड़ी, यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो कि ताशी लुम्पो मोनेस्ट्री, ये तिब्बत रीजन की बहुत ही बड़ी मोनेस्ट्री है जिसमें पंचम लामा का पद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पंचम लामा, ठीक है। तो होना यह था कि 11 पंचम लामा ये यहाँ पर इसके हेड होने वाले थे। तो इसका चयन प्रक्रिया भी अपने आप में बहुत ही जटिल है। बुद्धिज़्म में खासतौर पे महायाना में दलाई लामा और पंचम लामा ये दो ऐसे पोजीशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दलाई लामा सबसे ऊपर है तिब्बत मोनेस्ट्री में और उसके बाद आता है पंचम लामा। तो 1447 में इस मोनेस्ट्री को बनाया था फर्स्ट दलाई लामा ने, ठीक है। तो इसका हिस्टोरिकली और कल्चरली इम्पोर्टेंट बहुत है। तो अगर किसी रीजन को एनेक्स करना है तो आप उस रीजन को अटैक करके मेनलैंड एरिया के साथ, जैसे चाइना ने किया, एनेक्स कर सकते हैं। लेकिन उस रीजन के लोगों के ऊपर जो भी अपराइजिंग का जो फीलिंग रहेगा, रिवोल्ट का जो फीलिंग रहेगा, वो हमेशा रहेगा। तो ये आप अगर उसे हटाना है तो अगर आप उसके रिलीजन के ऊपर या फिर रिलीजियस लीडर के ऊपर अगर कंट्रोल रखते हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा स्टेट के लिए, चाइनीज स्टेट के लिए, कि उस रीजन में वो अपना कंट्रोल बनाए रखे, ठीक है। तो ये रीजन जैसे ताशी लुम्पो मोनेस्ट्री है, इसके बारे में हमें पता चला। तो ये जो पंचम लामा है, पंचम लामा का मतलब क्या होता है? पंचम लामा में दो शब्द है, पंचम पन और चन, इसका मतलब होता है कि पंडित, और चनपो का मतलब होता है ग्रेट स्कॉलर, ठीक है। तो ये जो मोनेस्ट्री को हेड करेगा वो रहता है पंचम लामा, और उसके अपॉइंटमेंट को रहता है दलाई लामा, ठीक है। पर दलाई लामा की हिस्ट्री अगर आपको पता होगी तो 1959 में प्रेजेंट दलाई लामा केम टू इंडिया और उनको असाइलम दे दी गई, ठीक है। अब ये दलाई लामा का काम था कि अगले पंचम लामा की नियुक्ति करी जाए, और इन्होंने नियुक्त किया 11th पंचम लामा, जो आपने 6 साल के बच्चे की फोटो देखी, उनको इन्होंने यहाँ पर नियुक्त किया कि ये होंगे अगले पंचम लामा। बट एज दिस न्यूज़ वेंट आउट, चाइनीज गवर्नमेंट बिकेम एक्टिव, ठीक है। तो चाइनीज गवर्नमेंट बिकेम एक्टिव और यहाँ पर उन्होंने इस बच्चे को उसकी फैमिली के साथ किडनैप कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। चाइना ने जब इनको किडनैप किया गया तो चाइनीज गवर्नमेंट ने उनके द्वारा नियुक्त एक नया पंचम लामा यहाँ पर अपॉइंट किया गया, और वो पंचम लामा अगले वहाँ पर हेड होंगे उस मोनेस्ट्री के, ऐसी बात वहाँ पर बताई गई। बट बिकॉज दिस पंचम लामा वॉज सिलेक्टेड द न्यू वन बाई द चाइनीज गवर्नमेंट, इसलिए तिब्बत के ज़्यादातर लोग उनको मानते नहीं है, और उनके जैसे 17 मई 1995 को उनको किडनैप किया गया था तो वहाँ पर डेमॉन्स्ट्रेशन होते कि उनको छोड़ा जाए, ठीक है। उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे वहाँ पर डेमॉन्स्ट्रेशन होते कि उनको छोड़ा जाए, बट चाइना ऐसा नहीं है कि वो ईजिली वो बात को माने, ठीक है। तो अब चाइना के लिए अब ये इजी हो गया है क्योंकि चाइनीज अपॉइंटेड पंचम लामा है, उनको किसी के साथ बात करने के लिए अनुमति नहीं है या फिर फॉरेन मीडिया के साथ बात करने की अनुमति नहीं है। ही इज़ ऑलवेज सराउंडेड बाय द चाइनीज ऑफिशियल्स, यहाँ तक कि वो रहते भी चाइनीज गवर्नमेंट के ही दिए हुए घर में। तो यू कैन इमेजिन सिंस चाइल्डहुड, इफ दैट पर्सन इज गेटिंग
दी नॉलेज, और वी कैन से वहाँ पर उनके उनको एक तरीके से तैयार किया जा रहा है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को ऑर्डर्स ही माने, तो वो ज़्यादा इजी जाएगा चाइना के लिए अगर ऐसा आदमी उस मोनेस्ट्री पे बैठेगा जो उनकी बात सुनेगा। ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि चाइनीज़, जैसे मैंने पहली बात बताई कि बुद्धिज़्म में दलाई लामा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, रिलीजियस फिगर है। तो जैसे दलाई लामा पंचम लामा की नियुक्ति में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसी तरह पंचम लामा अगले दलाई लामा जो सिलेक्ट होंगे उनकी अपॉइंटमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि दलाई लामा प्रेजेंट तो इंडिया में है, पर अगले दलाई लामा जब नियुक्त होंगे तो वो अगर चाइना का वहाँ पर से चाइना जिसे चाहेगा अगर उसे ही अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो चाइना के लिए उस रीजन में एक तरीके से कंट्रोल रखना आसान हो जाएगा। इस तरीके का चाइना का प्लान है। बट अगेन दिस पर्सन एज यू आर सेइंग इन दिस पिक्चर ही सेड द नेक्स्ट दलाई लामा आई विल चूज हिम, और वो मेरी डेथ के बाद नहीं पर मैं ही उसको चूज करके जाऊंगा। तो ये पूरी तरीके उसकी यहाँ पर स्टोरी है। पर अभी जैसे 25 ईयर्स हो चुके हैं तो इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ रहा है चाइना के ऊपर, और यहाँ पर यूएस ने भी कहा है, माइक पोम्पियो, ठीक है, उन्होंने भी कहा है कि दैट पर्सन दैट किड पंचम लामा उनको यहाँ पर छोड़ा जा सके। और इसका एक जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। आप समझ सकते हैं कि यूएस और चाइना के बीच में अभी टेंशन बढ़ रहा है कोरोना वायरस को लेकर, तो अगेन दिस तिब्बत इशू विल बी अ हॉट टॉपिक। बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि चाइना इतने ईजीली इसको यूएस को इंटरफेयर करने नहीं देगा। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। मेक श्योर शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। Thank you very much. All the best.